हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारा रीजन फिशरी। सो आज हम आए हैं कोडिनार फिश मार्केट विजिट करने। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं हम ये पूरा मार्केट। अब तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ का फिश मार्केट ये पूरा हॉल में है। अभी तक हमने जितने फिश मार्केट देखे उतने सब ओपन एरिया में होते हैं या फिर बड़े से शेड में होते थे। यहाँ पे सभी स्टॉल्स लेडीज चलाते हैं, जेंट्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं। जेंट्स का काम सिर्फ फिश को हार्बर से यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर लेडीज़ यहाँ से बेचती है सब फिश। यहाँ पे ये बहुत बड़ी ट्यूना है, आप देख सकते हो, इसको यहाँ शेरवा भी कहते हैं। यहाँ पे ये कोलाबिस साइरा है, इसे यहाँ लोकल में डाइव कहते हैं। और यहाँ पे ये रेड टाइनी श्रिम्प है। यहाँ पे भी ये ट्यूना फिश का कटिंग हो रहा है। ट्यूना का प्राइस 140 या 150 पर केजी है। और यहाँ पे ये स्टेनोटोमस चेरी सोप्स है, इसे यहाँ पे स्कूप या फिर पोगी भी कहते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा हॉल है। ऐसे फिश स्टॉल के यहाँ पे 3 से 4 हॉल है और एक हॉल ड्राई फिश का भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी अलग अलग जातियों की स्पीसीज देखने को मिल रही है हमें। यहाँ पे ये छोटी सी शार्क है। और यहाँ पे ये छोटे से स्क्विड्स है जिसे यहाँ पे नरसिंगा कहते हैं। अब यहाँ पे ये ड्राई फिश प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे बॉम्बे डक से ड्राई इसे बुमला कहते हैं। ये ड्राई श्रिम्प्स हैं जिसे यहाँ पे सोला कहते हैं। और ये इंडियन एनकोवी है जिसे यहाँ पे मेनली कहते हैं। और यहाँ पे ये जवला है, ये ड्राई श्रिम्प होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा ड्राई फिश का मार्केट है। ड्राई फिश का प्राइस फ्रेश फिश से ज़्यादा होता है। भूलिया तू
आप देख सकते हो ड्राई फिश का पूरा हॉल है ये। ये मेरे साथ ये मेरे सभी क्लासमेट्स आए हैं, तो हम उनसे रिव्यू जानते हैं उन्होंने यहाँ पे क्या क्या देखा। हेलो फ्रेंड्स, हम कॉलेज ऑफ फिजिक्स वेरावल से आए हैं और हमने सुबह 8:30 बजे वेरावल से बस बोर्ड किया, फिर हमने हम यहाँ पहुँचे 10:30 बजे। ये जगह थोड़ी घर है, यहाँ पर ये मार्केट में ड्राई फिश प्लस फ्रेश फिश भी मिलती है, मैराइन फ्रेश वाटर प्रैक्टिस तीनों। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा सर्वे करने के बाद हमको पता चला है कि यहाँ का मार्केट का टाइम है 7 से 6 बजे। यहाँ पे 35 से 40 तक महिलाएं काम कर रही है और पुरुष 6 से 7। पुरुष का काम इतना ही है कि वो बस मार्केट से हार्बर से माल लेके सिर्फ यहाँ पे डाल रहे हैं और कुछ काम नहीं है। यहाँ पे मार्केट है टोटल फिश मार्केट में 6 से 7 होल है, उसमें से एक ऑप्शन होल है, 2 रिटेल होल है, 1 ड्राई फिश है, 1 चिकन है, 1 मटन कटिंग के लिए और 1 वेज के लिए। उसमें से ऑप्शन साइड उस साइड अलग आ गया है, रिटेल से डिसाइड हो रहा है। मटन कटिंग के लिए एक अलग से पूरा हॉल बनाया हुआ है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सब जगहों से मतलब अच्छा हुआ है। यहाँ का पूरा हैंडलिंग एंड ऑल नगर पालिका में हो रहा है। हाइजीनिक भी है। आइस का देखिए तो यहाँ पे कोडिनार में एक आइस का आइस आइस फैक्ट्री है। यहाँ पे आइस स्लैब का एक का प्राइस है 140 रुपीज़, वो पूरा क्रशिंग करने के बाद ही मिलता है। यहाँ पे नगर पालिका में ये फिर यहाँ पर एक लेडी पर हेड के लिए 20 रुपीज़ पर डे का चार्ज है। फिर मटन वालों के लिए 20 रुपीज़ है, चिकन वालों के लिए 20 रुपीज़, ये पर हेड इन लोगों का प्राइस है यहाँ पे रखने के लिए। यहाँ पे फ्रेश वाटर भी फिशेज मिलती है, मराइन वाटर भी है। मराइन वाटर के लिए यहाँ पे सोर्सेज है, जैसे कि ओखा से आता है, मुजवाल से आता है, धामरेज से आता है, सुत्रापाड़ा से आता है, वेरावल से आता है, हीराकुट से आता है, वनकबारा से आता है, माधवाड़ से आता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो रिक्शा और ये ट्रक एंड ऑल वही होता है। यहाँ पे मोस्टली डिमांडेड फिशेज है, जैसे कि सुरमा ये टूना है, श्रिम्प्स है, क्रैप्स है, ये लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। ये हमारा वर्क डे है जो कि हमें आफ्टरनून को सबको सबमिट करना है, आते हैं ना, हमने बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए, फोटोज हमारे वीडियो। यहाँ पे फ्रेश वाटर मराइन वाटर दोनों फिश अवेलेबल है। मराइन वाटर जैसे सारे हार्बर से मिलती है वही है। फ्रेश वाटर में देखे ना तो यहाँ पे रेनबो ट्रोट्स भी मिली है हम लोग को देखने के लिए जो कहीं पे नहीं थी। फिर ट्रोट्स मिली है, तिलापिया मिली है, फिर कटला रोहू मृगल आयन से मिली है। और यहाँ पे एक फीस हमें लगी थी, यहाँ पे जितने भी फ्रेश वाटर फिशेज है ना वो सारी लाइव थी, इतनी सारी फिशेज लाइव देखने को मिली। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, हाइजीन भी है, बाकी हम खुश रहेगा अभी घूमने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।